नमस्कार, साधना न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अरुणिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबर से, और खास खबर इंदौर से, जहां इंदौर के ग्राम देवगुराडिया में कारगिल विजय दिवस मनाते हुए कारगिल विजय स्मारक का लोकार्पण किया गया। बताया जाता है कि अपने आप में ये स्मारक पूरे देश में प्रथम है, और इसका श्रेय भाजपा नेता अनुराग पांडे और कालिंदी ग्रुप के विजय गांधी जी को जाता है। आपने अभी तक कई स्मारक देखे होंगे। इसमें नेताओं की स्मारक, समाज सेवियों की स्मारक, स्वतंत्रता सेनानियों की स्मारक, देश को आजादी दिलाने वाले, देश के लिए बलिदान देने वाले ऐसे देश प्रेमियों के स्मारक भी आपने पूरे देश में जगह जगह देखे होंगे। इन सब से बढ़कर जाबाज सैनिकों के सम्मान में पूरे देश की प्रथम कारगिल स्मारक का कारगिल दिवस के मौके पर अनावरण हुआ, और इसका पूरा श्रेय भाजपा के अनुराग पांड्या और कालिंदी ग्रुप के विजय गांधी को जाता है। इस मौके पर भारतीय सेना के विशिष्ट सेनानियों का सम्मान भी किया गया। लोकार्पण के अवसर पर इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव, वरिष्ठ भाजपा नेता मधु वर्मा, किसान मोर्चा के रवि रावलिया, रिटायर्ड एयर मार्शल हरीश मंसद, रिटायर्ड कर्नल हर्ष कौल, रिटायर्ड कर्नल बलबीर गिल, रिटायर्ड सूबेदार मेजर एवं कैप्टन हिमायत उल्ला खान और कालिंदी मिड टाउन के वरिष्ठ नागरिक उपस्थित थे। कालिंदी ग्रुप द्वारा बनाए गए इस मेटल स्क्रैप से कारगिल स्मारक को बनाने में 6 माह का समय लगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये वो जवान है जो देश की हर उस लड़ाई में, जो देशवासी सहन कर रहे थे, अर्थग्रीड हो, भुखमरी हो या और तमाम वो सारी चीजें, उस सेना के जवान वहाँ पहुँचते हैं, उनकी पीड़ा सुनते हैं, और उस परेशानी से उनको बाहर पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, वो अपनी बूढ़ी माँ से मिल पाएंगे कि नहीं, वो अपनी पत्नी से मिल पाएंगे, बस सिर्फ वो ये सोचकर वो काम करते हैं कि देश के लिए समर्पित हैं, समर्पण के भाव से आगे बढ़ते हैं। तो हमारे साथ बहुत सारे सैनिक हैं, हम बात करते और जानते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। सर, पहले तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि किस पोस्ट पे थे आप और कैसे काम करते थे। मैं इंडियन एयरफोर्स का जूनियर वारंट ऑफिसर था, तो उसके पश्चात जब हम एयरफोर्स में थे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं हमको। मैं तो स्पोर्ट्समैन था, ऑफिस का काम देखता था, साइफर ऑफिसर था, तो ऐसे ऐसे काम करते थे जो कि टॉप सीक्रेट होते हैं, उसको हम किसी से डिस्क्लोज नहीं कर सकते, वो हमारी प्राइम सिक्योरिटी होती है। और उसके पश्चात मैंने जो है यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया, मैं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का कोच हूँ। और फौज की नौकरी तो लाजवाब है, फौज की नौकरी तो लाजवाब है, उसमें कोई दो राय नहीं है। फौज है तो देश है, जिसकी फौज मजबूत है उस देश को कोई बिगाड़ नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। आप देख रहे हैं अभी यूक्रेन की क्या कंडीशन है, वहाँ पे फौज जो है कितनी कैसे क्या कंडीशन में लड़ रही है। यही कंडीशन जो है जब हमारे देश के जो सैनिक हैं -30 डिग्री -40 डिग्री में किस तरीके से पहाड़ों में पड़े हुए हैं, और बिल्कुल चौकन्ने, और उनके चेहरे से कभी मुस्कान गायब नहीं होती है। और इस तरीके से जब कार्य करते हैं हम लोग, तो नेचुरली एक देश के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात होती है, और हम हर शख्स के लिए गर्व की बात होती है। और देश है तो सब कुछ है, जो देश मजबूत है देश जो है कभी कोई वो नहीं कर सकता। और मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये इतने कंधे मजबूत हैं कि कोई हमको अधिक नहीं कर सकता है, किसी की हिम्मत नहीं है, चाहे कोई भी पड़ोसी देश हो, किसी भी तरह की कोई हमारे पास वो आ जाए। और हमारी फौज तो नेचुरल कैलेमिटी हो या तो समाज सेवा हो, एंड वी आर एवर रेडी फॉर टू फेस एनी टाइप ऑफ सर्कमस्टांसेस। हमें ये संदेश देते हुए बड़ा खुशी हो रही है कि हमारे इंदौर शहर में आजकल जो हमारे स्कूल और कॉलेज से जिस तरह माता पिता अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं और उनको अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, संस्कार दे रहे हैं, और उनमें ऐसे संस्कार आ रहे हैं जिससे वो माता पिता की सेवा करते हुए
सबसे पहले वो देश की सेवा करना पसंद कर रहे हैं। इसीलिए हमारे इंदौर में हमारे 3 NCC काम कर रही है, एयर विंग NCC, थलसेना NCC और गर्ल्स बटालियन। इसमें हमारे इंदौर शहर के 250 लड़के और 50 लड़के जिन्हें हम NCC में ट्रेनिंग करवाते हैं, जिससे कि वो भारतीय सेना में संबंधित रहते हैं। प्रोफेशनल अच्छा मिलता है, यानी एक चीज़ है वहाँ डिसिप्लिन और प्रोफेशनल सिखाते हैं। और मैंने देखा, मैं बिना सोचे समझे कोई ख्याल नहीं आया, किसी ने आपको शायद बताया नहीं होगा कि वार साइकोलॉजी क्या है। बताया किसी ने? वार साइकोलॉजी ये होती है, जब युद्ध हो रहा हो तो अपन परिवार देश और सब भूल जाते, ये ध्यान रहता है कि सामने वाले को नहीं मारा तो वो मेरे को मार देगा। पिछले 8 साल से हम लोग कारगिल विजय दिवस कालिंदी मिट्टाओं में मना रहे थे, सहयोग से, लोगों के जनमानस के सहयोग से उसको मना रहे थे। धीरे धीरे हमने शासन को जमीन के लिए अप्रोच किया, जमीन हमको हमने जो मांगी थी वो हाईवे में आ गई। तो उसके बाद शासन ने कहा कि अभी दूसरा अल्टरनेटिव आप ढूंढो, तो वर्तमान ग्राम पंचायत से हमारी बात हुई, उन्होंने ये जो सरकारी ज़मीन है जहाँ अभी आज जिसका उद्घाटन हुआ, यहाँ पर उन्होंने ज़मीन को अलॉट किया। ये तो समाज का दायित्व है कि ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार करें जिसमें हमारे आने वाले बच्चे जो फिजिकल एक्सरसाइज करें, देश के प्रति कुछ जानकारी इकट्ठा करें और अपना करियर देश में चुनें। तो मेरा एक सपना था, अभी 2 साल पहले गया था मैं, तब मैंने वहाँ पे कारगिल का स्मारक देखा था, तब से मेरी इच्छा थी कि मैं कारगिल स्मारक बनाऊँ, जिससे लोगों को लगे कि सेना में भर्ती होना चाहिए सब चीज़ में। वो भावना से मैंने यहाँ पे पंचायत ने मेरे को जगह दी तो मैंने बनाया, क्योंकि कॉलोनी से यहाँ पे जितनी भी कॉलोनी मेरे द्वारा डेवलप की गई है, तो मैंने एक अच्छा दर्शनीय स्थल हो जाए इंदौर के लिए, इस कारण से कारगिल स्मारक बनाया। बस आज का कार्यक्रम बेहद अच्छा रहा, और ख़ास तो ये था कि देशभक्ति की भावना इतनी जाग उठी के आँख में उसे कई बार आंसू निकल आए, जब उन महू के सब कर्नल और वो शौर्य चक्र वाले और सब बड़े बड़े जो आए और उन्होंने अपनी बात कही, तो बहुत ही अच्छा लगा कि अपन जिंदगी में इतनी मज़े करते हैं, शायद इसलिए कि इन लोगों ने अपने लिए बहुत मेहनत करी है। भारतीय जनता पार्टी के पंचायत प्रतिनिधि, वरिष्ठ कार्यकर्ता और युवा नेता अनुराग जी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे और देखेंगे कि देश की सेना को लेकर उनके मन में क्या भावना है। सबसे पहले तो आपने जो ये कार्यक्रम किया उसके लिए साधना न्यूज़ आपको बहुत बहुत बधाई देता है, क्योंकि आप एक युवा हैं, तो इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे, आज कैसा महसूस कर रहे हैं? जब हम चुनाव में आते थे यहाँ पर बहुत कर्नल से और बहुत सारे आर्मी से रिलेटेड लोगों से मिलते थे, तभी से हमने एक संकल्प लिया था कि हम उन सैनिकों के सम्मान में एक स्मारक बनाएंगे, और उस स्मारक का आज लोकार्पण का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया था। ये पहले चरण का कार्यक्रम था, इसके बाद दूसरे चरण में यहाँ पर नक्षत्र गार्डन और काफ़ी कुछ डेवलपमेंट होने वाला है। माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा बहुत ही बढ़िया तरीके से देश को चलाया जा रहा है, उनकी जो योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन किया जा रहा है, और पहली बार मुझे ऐसा लगता है कि इतना ऊर्जावान कोई प्रधानमंत्री हमारे देश के लिए आया है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो अच्छी से अच्छी योजनाओं को लागू करेंगे, प्रदेश लेवल पर भी और राष्ट्रीय लेवल पर भी, और ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक जो कि उनको लाभ पहुँचाया जाए और इन सैनिकों के संघर्षों को अगर वो देखते हैं, जानते हैं, जैसे कि हमारा स्मारक अवश्य ही उसका एक रोल अदा करेगा कि वो लोगों को संस्कार उसमें मिलेंगे कि कैसे सैनिकों का बलिदान किया गया था, कैसे बलिदान हुआ था और किस मुश्किल परिस्थिति के अंदर वो युद्ध जीता गया था। अगर इन सब चीज़ों को वो माइंड में रखते हैं तो मेरे ख्याल से युवा गलत रास्ते पर जाने का कभी सोचते हैं। जब हम किसी सैनिक को देखते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, एक प्रसन्नता होती है, देश की रक्षा करने के लिए अपनी जान भी दे देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि देश सुरक्षित रहे। आज हमारे साथ विंग कमांडर आशीष जैन है, आइए उनसे जानते हैं कि उनका अनुभव कैसा रहा और एक सैनिक के तौर पर वो कैसे देखते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज़ में। आप चूँकि विंग कमांडर हैं, अपना एक्सपीरियंस और अपना अनुभव शेयर करें। मैं एयरफोर्स में ज्वाइन किया था 1996 में, एंड आई गॉट कमीशन इन दिसंबर 1998, एंड मैं फ्लाइंग नेविगेटर ब्रांच में मैंने कमीशन लिया था। तो इनिशियल फ्यू ईयर्स आई वॉज पार्ट ऑफ एक्टिव फ्लाइंग, जिसमें मैंने अप रक्षक CIOPS कश्मीर वैली में चल रहा है जॉइंट ऑपरेशन, उसमें पार्ट लिया, देन ऑफ विजय कारगिल वॉर, एंड
कार्यक्रम आता था एंड लॉट ऑफ फ्रेंडली फॉरेन फोर्सेज जो होती हैं यूएस फोर्सेज या कंट्रीज के साथ में एक्सरसाइज में पार्ट लिया मैंने परफॉर्मेंस जल्दी हमारा अच्छा रहा हम अमेरिकी फौजों से आर्मी के उसमें भी और एयरफोर्स के उसमें भी हम टक्कर दी और हम अच्छे निकले तो आई वाज थर्ड एयरक्राफ्ट टू लैंड रात को सो टोटली डार्क कोई नेवेट्स नहीं है रनवे पे भी क्रैक्स हैं कोई लोग नहीं हैं सब कुछ तहस नहस हो गया है एंड देन फॉर नेक्स्ट 15 to 20 days हालत कैसी होती है जब अर्थवेक आता है लोगों के शक्ल पे चेहरों पे घर देखो आप सो इन सब में ये गर्व लगा कि अपने दोस्तों के साथ अपने देशवासियों के साथ खड़ा हूँ परिस्थिति आती होगी जब आपको लगता होगा कि मेरी पत्नी इंतजार कर रही है मेरे बच्चे इंतजार कर रहे हैं लेकिन वो जीने मरने की कस्में आपको याद आती होगी देश के लिए लड़ाई याद आती होगी तो ऐसी स्थिति में मन क्या कहता है देश के लिए समर्पित होने का कहता है कि थोड़ा सा बैक स्टेप लेते हैं और पीछे जी मैं 71 वार में शिलोंग में मेरी पोस्टिंग थी और बांग्लादेश हम लोगों ने बनाया ढाका और जयसूर जैसे सिटी हमारे से बहुत ही नज़दीक थे और मेरी वहाँ पर पोस्टिंग थी इमरजेंसी टाइम में मैंने काफ़ी कम्युनिकेशन इंजीनियर रहा एयरफोर्स में और काफ़ी अच्छे कम्युनिकेशन किए ये जो आपने प्रश्न कहा इस प्रश्न के उत्तर में सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा कि वो 13 दिन जब इमरजेंसी थी मैंने ना कभी मेरे मदर को याद किया ना मेरे वाइफ को याद किया और ना किसी रिश्तेदार को किसी फ्रेंड मैं सिर्फ नेशन फर्स्ट नमस्कार आप देख रहे हैं साधना न्यूज मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ मेघा जी इंदौर के लोकप्रिय महापौर पुष्यमित्र भार्गव आज हमारे साथ हैं उनसे बात करते हैं इस कार्यक्रम को लेकर उनकी क्या आज के इस कार्यक्रम को लेकर आप क्या क्योंकि ये बहुत भावी पल है ऐसा पल है जब देश किसी जवान को खोता है तो ये सिर्फ जवान को नहीं खोता वो सुरक्षा को खो देता है इसके लिए वो आत्मसमर्पण करता है क्या देखिए इसका अनुभव करना भी असंभव है कि एक बहन का भाई एक माँ का बेटा केवल भारत माता के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देता है और उसके पीछे उसके परिवार का क्या होगा उसकी पत्नी का क्या होगा इस पर हम सोच भी नहीं सकते हैं इसलिए इस भाव विभोर समय में मैं देवगुराड़िया के सभी रहवासियों का और इस पंचायत के जितने पदाधिकारी हैं उनका मन से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आज कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में ये कारगिल विजय का संदेश पूरे इंदौर को देने का काम किया है और इंदौर भी इससे सीख लेगा वैसे दुनिया भर में अभी लोग इंदौर से सीख रहे हैं लेकिन हम देवगुराड़िया से सीखेंगे और इंदौर में भी जो शहीद पार्क हैं या ऐसे कई स्थान हैं वहाँ वेस्ट टू आर्ट से ऐसे कई सारे संदेश देने वाले रेप्लिका बने उसको यही संदेश है कि वो दिन में एक बार नशा करने के पहले जो लोग शहीद हुए हैं सरहदों पर शहीद हुए हैं उनके परिवारों को देख कर सीख लें और अपने परिवार में क्या होने वाला है उसके बारे में सोचें